के साथ तन्वी सूद आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक टाइम पर बॉलीवुड में अक्षय कुमार को बतौर एक्शन स्टार पहचान मिली। उन्होंने अपने करियर में कई एक्शन फिल्में की हैं, जिसके चलते एक टाइम पर उन्हें कहा जाता था कि इसे सिर्फ एक्शन ही आता है। लेकिन खिलाड़ी कुमार पिछले कुछ सालों से अलग अलग जॉनर की फिल्म कर रहे हैं, जहाँ पिछले कुछ सालों में उन्होंने ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में की हैं, वहीं आने वाले सालों में भी अक्षय एकदम अलग अलग जॉनर की फिल्म कर रहे हैं, जिनमें आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी देखने को मिलेगी तो एक्शन भी, कॉमेडी भी देखने को मिलेगी तो देशभक्ति भी। अक्षय हमेशा से ही एक्सपेरिमेंटल रहे हैं, हर जॉनर की फिल्म वो करते हैं। लेकिन अक्षय इसके लिए कैसे इंस्पायर हुए, इस बात का खुलासा हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। दरअसल हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अलग अलग जॉनर पर फिल्म करने को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, ये सभी चीजें मुझे अपने अनुभव से सिखाई गई हैं। मैंने सीखा है कि अगर मैं अलग अलग जोनर में काम करता हूँ तो मुझे टैग नहीं किया जाएगा। जब मैं बहुत सारा एक्शन करता था तो सभी कहते हैं कि मैं एक्शन हीरो हूँ और कुछ नहीं, इसलिए मैंने कॉमेडी करने की कोशिश की और फिर हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अलग अलग जोनर में फिल्में करूँगा। मैं लोगों और मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए आलोचना की और मुझ में सर्वश्रेष्ठ बनाया। अक्षय ने आगे कहा कि मेरी ज्यादातर फिल्में पैडमैन, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, यहाँ तक कि मिशन मंगल है, मेरी हर फिल्म में एक चीज और वो है महिला सशक्तिकरण। लेकिन मैं हाउसफुल, रावड़ी राठौर और एक गुड न्यूज जैसी फिल्में भी करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं केवल इशू बेस्ड फिल्में करता हूँ। जब भी मुझे एक मौका और एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है मैं उसे पूरा करता हूँ। मैं अपनी किटी में हर तरह की फिल्में करना चाहता हूँ। तो देखा आपने, अक्षय ने बता ही दिया कि आखिर वो अलग अलग जॉनर की फिल्म क्यों करते हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने केसरी जैसी शानदार फिल्म में काम किया था, वहीं जल्द ही वो मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज, सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब और बच्चन पांडे जैसी फिल्में लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा अक्षय जल्द ही डिजिटल डेब्यू भी करने जा रहे हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या अक्षय की ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाती हैं या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।